सो हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, ये जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, इस समय रात के 10:30 या 11 बज रहे होंगे, इस समय स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और जो मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ, ये ब्लॉग मतलब छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी मैं इस समय आ रखा हूँ अपनी चाची के घर, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया था और आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकी अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ बाहर, देखो भाई, दूर दूर तक पूरा अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी यहाँ की सिचुएशन है। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो मेरी चाची ने अभी जस्ट अभी मतलब 1-2 महीने हो गए घर शिफ्ट किया है। तो इनका यहाँ पर देखें, ये नया घर है और इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको इनका ये घर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक फ्लोर मतलब एक ही फ्लोर है और ऊपर इन्होंने एक रेंट पर दे रखा है। तो बाकी जो नोएडा से हमारे तो ताऊ जी है, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, और जो हमारी बुआ है वो भी वीडियो देखते हैं। मतलब हमारी वीडियो हमारी फैमिली में सब देखते हैं। तो वो लोग तो गाइस यहाँ पर आ नहीं पाए थे, तो मैं अपने चैनल के थ्रू अपने ब्लॉग के थ्रू उनका ये घर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ से ये एंट्रेंस है कुछ ऐसा, और ऐसे हम यहाँ से गेट खोलते हैं तो हम यहाँ एंटर कर जाते हैं। तो अब गेट करते लॉक और चप्पल को रखते हैं यहाँ पे साइड में, और फिर यहाँ से चलते अंदर। अंदर दिखाता हूँ कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय। थोड़ा सा अगर मेरा फेस ब्लर आ रहा होगा तो गाइस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो ये देखो, एंट्रेंस करते ही ये है सीढ़ी, और यहाँ से हम खोलेंगे गेट ऐसे। यहाँ से हमने किया एंटर। अरे, हमारे चाचा जी कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया। ये हमारे चाची कैसे हो? ठीक है। चलो मैं आपको पहले अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको तो आप जानते होंगे, मिस्टर हिमांशु, पहले ही मैंने आपने इससे पहले 2 व्लॉग में देख लिया होगा आपने इसको, राइट। तो अभी हमने जस्ट वहाँ से एंटर किया, तो ये है ऐसा कुछ रूम। और आप ऊपर कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी यूनिक है, ठीक है। इतना अच्छा घर तो मेरा भी नहीं है फिलहाल। हाँ, सही, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब यार हमारी जब पहले की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी अपना कुछ काम कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम के बाद किचन। तो ये हमारा ये हमारा कुछ ऐसा छोटा सा बहुत बढ़िया सा किचन। और थोड़ा फ्लिकरिंग हो रहा होगा क्योंकि गाइस लाइट आ रही है ऊपर से नीचे, इसलिए। और मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर वाला रूम। यस, तो ये है बाहर का रूम ऐसा, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और ये भी है क्यूट सा रूम, छोटा सा, और यहाँ पे एक स्मॉल बेड है। यहाँ पर चाचा चाची रहते हैं और वहाँ पर अंदर हिमांशु रहता है। तो चलिए, थोड़ी हम यहाँ पर आके बात करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है देखने को। तो गाइज, मैंने आपको घर दिखाया, आई होप सो आपको घर पसंद आया होगा। फिलहाल तो अभी जैसे मैं रात हो रहा था, मैं छत में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं आपको मैं छत का भी दिखाता, ठीक है। और बाकी आपने देखा काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूनिक है। और ये जैसे बैठे देखते हैं कुछ है। आप जयपुर में आए तो आपको कैसा लगा? जयपुर देखा, आप घूमने गए तो वहाँ पर हेरिटेज सिटी, उधर जयपुर में जो भी हिस्टोरिकल जो भी पैलेस हैं जी। तो गाइस, मैंने बताओ मेरे को आज उसके बारे में, आप जाके आए तो क्या? बिल्कुल, तो मैं वैसे मैं जयपुर पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जल महल और हवा महल ही गया था देखने के लिए, और उसके बाद मैंने उसके अलावा कुछ देखा नहीं। तो फिलहाल मैं इस बार दोबारा आया हूँ जयपुर घूमने के लिए, और मैं आमेर किला गया था, इससे पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर घूमना, और वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। मुझे पहले लगा कि ऐसा कुछ वहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब मैं अंदर गया, थोड़ा और अंदर गया वहाँ पर, तो देखा कि यार काफ़ी बड़ा महल है, और ऐसा मतलब काफ़ी यूनिक है, ऐसा दिल्ली में भी नहीं है, ना ऐसा आगरा में, कहीं पर भी नहीं है। और बहुत सी जगह पर क्या होता है कि अलाउ नहीं होता अंदर जाना, बस बाहर बाहर दिखा देते हैं और ऊपर जाना अलाउ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम गए कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा आप अंदर किले में जा सकते हो, पूरा महल एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ भी रोक टोक नहीं है, ना माइक की रोक टोक है, ना वीडियो बनाने की रोक टोक है। और इससे पहले मैं जहाँ पर लास्ट में कुतुब मीनार गया हूँ, इंडिया गेट गया हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत बढ़िया है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के जयपुर में जितने भी लोग हैं, सब लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हम्बल है, काफ़ी पोलाइट है। तो पूछते जरा आप कैसे हो, सब ठीक है ना? काम बढ़िया है, अच्छा है। जयपुर एक बहुत अच्छा वो है, शहर है, मतलब हेरिटेज सिटी है, और यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। थोड़ा अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, और कभी दोबारा आओ तो समय लेके आओ।
और एक जगह से शुरू करो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो टेंपल हैं यहाँ पर, और पुराना जो हवा महल जो पूरा विश्व प्रसिद्ध हवा महल है जयपुर का, पिंक सिटी का, गुलाबी नगर, जंतर मंतर भी है और सिटी पैलेस है, बहुत सारे म्यूजियम वगैरह हैं, तो वहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर सीखने को देखने को पढ़ने को मिलता है, वहाँ पर पुराने राजा महाराजों का इतिहास वहाँ पर उसमें है, तो वहाँ पर आपको गाइड से भी आप हेल्प ले सकते हो, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा समय लेके आप थोड़ा टाइम आपको लेके आना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इसके जयपुर के अलावा भी बहुत सारे बाहर कुछ है, उदयपुर, जोधपुर, मतलब पूरा राजस्थान जो है मेरा पूरा एक अच्छा है, वो पुराना एक ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत अच्छा है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इसका अच्छा है। तो अगली बार आओ तो कुछ टाइम लेके आओ और अच्छा घूमो यहाँ पर, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आपने सुना गाइस, तो ऐसा कुछ तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर मेरी चाची ने ज्वाइन कर लिया है, चलो अब उनकी भी हम सुनते हैं कि इनके घर में सब कैसे हैं और ननिहाल में कैसे है और घर में क्या है, और पूछते चलो, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। सब मेरे हमारे घर में सब ठीक है, और मेरे मम्मी पापा भी ठीक है, ननिहाल में कह रहे थे, और सब बढ़िया है, और आप बताओ कैसे हो। बिल्कुल, और जो लोग आपको देख रहे हैं अभी इस समय, आप उनको क्या कहना चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो को हमारे बड़े भी देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं, और ताऊ जी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो आप? उनको मैं पहले तो नमस्ते बोलना चाहती हूँ, और जो धोख देना चाहती हूँ अपने यहाँ पलाग मिर्चियों, और जो छोटे हैं उनको मेरा प्यार है सबको, और मेरा आशीर्वाद है उनको। जी तो देखो गाइज, आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार व्लॉग में ले रहा हूँ अपने चाचा चाची को, और जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, मतलब बहुत से लोग होते हैं तो कैमरे में आने थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं, है ना, एकदम से तो कोई सीखता नहीं है। जब आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो मैं भी उसमें बहुत चीज़ें भूल जाता था, अभी फ़िलहाल भूल जाता हूँ, अभी सोचता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करो, लेकिन धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ और कुछ कहना चाहते? बस यही करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आऊँगा तो अच्छे से टाइम हम लेकर आऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप जो मेरे यहाँ पर छोटा सा घर देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, तो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कभी जयपुर में आओ तो आप इधर ज़रूर आइएगा, आपका मस्ट वेलकम है, और ज़रूर यहाँ पर मिलिए, जो भी मेरे भाई हैं जो भी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो को, तो ज़रूर यहाँ पर जयपुर आए तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, आपका मोस्ट वेलकम है, और बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपके सामने हम लोग ये वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और अभी बहुत 11:30 होने वाले हैं, तो टाइम अभी बहुत ज़्यादा निकल गया, तो सोने मेरे जो चारों भाई यहाँ पर अभी वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर हमारे घर को, तो आप पर कभी जयपुर में ज़रूर आइएगा और यहाँ पर हमारा विजिट करिएगा, तो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और अभी काफ़ी लेट नाइट, कभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है रात में, 11:30 के आसपास, 11:30 से ऊपर होने वाले हैं, तो उसके लिए अब सोने का टाइम हो गया, तो उसके आपसे अलविदा लेते हैं, और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इसी के साथ साथ आपका गुड नाइट, अलविदा, थैंक यू।